पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 की जो कॉपी चेकिंग की जो प्रक्रिया है अब वो तेज गति से शुरू हो चुकी है। आपका एग्जाम जैसे ऐसे खत्म होने की ओर अग्रसर है। जैसे क्लास 10 के दो के एग्जाम बचे हैं, सोशल साइंस और मैथ, और जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं वो कॉपी चेक होने की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक टीचर के पास यानी एक टीचर जो है 20 कॉपी ही चेक करता है, यानी पूरे दिन भर में उसे केवल 20 कॉपी ही चेक करनी होती है और 20 कॉपी जो है चार लोगों की नज़रों से होकर गुजरेगी, तो गलती की गुंजाइश बहुत कम है। तो मैं आप सभी को अभी भी यही सलाह दे रहा हूँ कि अगर जो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो उसे अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। बिना अटैम्प्ट के आपको टीचर मार्क्स नहीं दे पाएंगे और मार्क्स देने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो उस स्थिति में टीचर जो है 2 नंबर 3 नंबर अगर नहीं दे पा तो उसमें 1 नंबर 2.5 नंबर 1/2 नंबर तो आपको मिल ही सकता है। तो अटैम्प्ट कीजिएगा। और मान लेते हैं दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हुआ है, एमसीक्यू में। एमसीक्यू अगर आपको नहीं आता है तो उसे छोड़ने के बजाय आप उसे सी यानी सी ऑप्शन के लिए सी बना दीजिए, क्योंकि सी को ए बी सी डी कुछ भी बनाया जा सकता है। तो दो तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स और आपके मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। ये उन सभी छात्रों के लिए जो 3 नंबर से 4 नंबर से 5 नंबर से 6 नंबर से फेल हो रहे होंगे, उन सभी को जो है जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक करने वाले वो आपको मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो आपको मार्क्स कहाँ से दिया जाएगा। तो लिख कर जरूर आए, कॉपी तेज गति से चेक हो रही है। आपके एग्जाम के एक हफ्ता के अंदर अंदर जो है कॉपी चेक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे आपने आज एग्जाम दिया है तो एग्जाम के 7वें 8वें दिन से जो कॉपी चेक होनी शुरू हो जाती है। और इस बार सीबीएसई ने कॉपी चेकिंग के लिए चार लोगों को नियुक्त किया, यानी एक कॉपी जो चार लोगों की नज़रों से होकर गुजरेगी, तो गलती की गुंजाइश नहीं है। और अभी भी जिन भी छात्र छात्राओं को जो भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं तो उसके क्वेश्चन को 100% अटैम्प्ट जरूर करें और टीचर आपको डेफिनेटली नंबर देंगे, 100% नंबर देंगे अगर आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। सो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक वीडियो शेयर करें ताकि हर बच्चा जो है क्वेश्चन को कम से कम पूरा अटैम्प्ट जरूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।